5 दिसंबर से 13 दिसंबर तक होगा दिव्य अनुष्ठान। साधक संत दादा भाई के सानिध्य में 110 करोड़ भारतीयों को कोरोना वैक्सीन लगाने की अभूतपूर्व महा उपलब्धि के उपलक्ष्य में दादाजी धुनी वाले दरबार श्यामला हिल्स भोपाल के साधक संत सदगुरु दादा भाई के सानिध्य में 5 दिसंबर से 13 दिसंबर तक खातेगांव डाक बंगला मैदान पर श्री राम कथा एवं निःशुल्क सामूहिक विवाह का आयोजन होगा। दादाजी सेवा भक्त मंडल खातेगांव व समस्त धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं के सहयोग से किया जा रहा है। दादाजी सेवा भक्त मंडल के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से डाक बंगला मैदान गायत्री मंदिर परिसर से कोरोना वैक्सीन के द्वितीय डोज लगवाने हेतु जन जागरण कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जन जागरण कलश यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से निकलेगी और साथ ही में देश के जाने माने कथावाचक पंडित नारायण शास्त्री काडाफोड़ के मुखारबिंद से प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक श्री राम कथा का रसपान कराया जाएगा। दादाजी सेवा भक्त मंडल के प्रदेश संयोजक रवि शर्मा यजमान मनोहर मालवीय ने बताया कि 8 दिसंबर को राम जानकी विवाह पंचमी के पावन अवसर पर कथा परिसर में निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस दिव्य अनुष्ठान में उपस्थित होकर सभी कन्यादान करें। जय जय सियाराम। जैसा कि आप सभी जानते हैं नगरवासी कि दादाजी सेवा भक्त मंडल के द्वारा प्रतिवर्ष जो दिव्य अनुष्ठान किए जाते हैं साधक संत दादा भाई श्यामला हिल्स भोपाल के परम सानिध्य में 5 दिसंबर से 13 दिसंबर तक खातेगांव की पावन जमी पर डांगमंगला मैदान पर दिव्य श्री राम कथा का अनुष्ठान किया जा रहा है। राम कथा जो है हमारे क्षेत्र के प्रदेश के गौरव आदरणीय पंडित नारायण शास्त्री कांटाफोड़ के मुखारबिंद से यहां पर आयोजित की जाएगी। इस कथा के हमारे मुख्य यजमान भाई मनोहर मालवीय जी, रवि शर्मा जी और दादाजी भक्त मंडल के सभी सदस्यगण कथा के यजमान रहेंगे। आप सभी कथा के यजमान बन सकते हैं, कथा में शामिल हो सकते हैं। निःशुल्क आयोजन है पूरा और जैसा कि भगवान राम और जानकी विवाह की पंचमी का जो पावन पर्व है उस दिन दादाजी सेवा भक्त मंडल द्वारा गुरुदेव के सानिध्य में निःशुल्क सामूहिक विवाह का आयोजन भी रखा गया है। आप सभी से हमारा निवेदन है कि कन्यादान महादान है। जैसा कि कहा गया है शास्त्रों में कि एक बेटी के भाग्य में हर बेटी के भाग्य में एक पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में एक बेटी नहीं होती है। इसलिए ये कन्यादान का जो अनूठा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, आप सब परिवार आकर 8 दिसंबर को कन्यादान का लाभ लें और प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक पंडित नारायण शास्त्री जी के मुखारबिंद से कथा का श्रवण करें। खातेगांव नगर व क्षेत्र में आसपास ग्रामीण अंचल में प्रतिदिन साधक संत दादा भाई दादाजी दरबार श्यामला हिल्स भोपाल से ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर अपने प्रवचन से लोगों को संबोधित करेंगे। आप सभी से हमारा निवेदन है कि उनके स्वागत की तैयारी में जुटें। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।